अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन टीवी। मैं हूं जैन कुरैशी। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक घर बनाया था और हमने सी आउट स्टेटमेंट को यूज किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक सेट डब्ल्यू के फंक्शन से हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम को हमारी कोशिश होगी कि हम मजीद एफिशिएंट बनाएं और हम उसको इस तरीके का बना लें कि हमें काम करने में आसानी भी हो और हमें मजा भी आए। तो आज हम जो घर बनाएंगे सेम टू सेम वही घर होगा, लेकिन उसको हम कैलकुलेटेड फॉर्म के अंदर बना लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक। मैं अपना फोल्डर खोल लेता हूँ जहाँ पर मेरा लेक्चर 8 मैंने एक फोल्डर बनाकर रखा हुआ है, लेकिन ये अभी एम्प्टी है। इसके अंदर मैं लेक्चर नंबर 7 का जो हमारा सीपीपी फाइल थी उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा यहाँ पर। और कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, रीनेम करके lecture8.cpp। अब इसके अंदर जो हमारा कोड लिखा हुआ है इसके अंदर सबसे पहले मैं एक फंक्शन यूज करने वाला हूँ setw। अब उस फंक्शन को यूज करने के लिए मैं एक इधर फाइल इंक्लूड करवा देता हूँ, हैश इंक्लूड iomanip। ये मैनिपुलेशन के लिए हमारी एक लाइब्रेरी होती है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्री डिफाइंड है हमारी C++ के अंदर, उसको यूज करते हुए मैं ये एक फंक्शन यूज करूंगा अभी। तो आप लोग देखेंगे ये मैं सेट डब्ल्यू जो मैंने जितनी भी स्पेसेस यूज की थी इसके अंदर, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 स्पेसेस मैंने यूज की थी। और उससे 16 स्पेसेस पे आगे मैंने कितना काम किया है, 43 कैरेक्टर्स मेरे इस स्ट्रिंग के अंदर है। इस स्ट्रिंग के अंदर 43 कैरेक्टर। अब अगर मैं इसको यहां से स्पेसेस इसकी हटा दूं और मैं इधर सेट डब्ल्यू इसके अंदर मैं 45 कर देता हूं फॉर एग्जांपल, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि हम किस तरीके से काम करें। अब मैं कंट्रोल एस कर देता हूं। अब इसका सिंटैक्स ये है कि आपने सेट डब्ल्यू के लिए एक सी आउट स्टेटमेंट का ये लाजमी यूज करना होता है, जो ये आपका इधर एक ये एंगुलर ब्रैकेट्स आपने लाजमी लगाने होते हैं और सी आउट लाजमी करवाना होता है इसको। तो उसको मैं सिंपल एक स्टेटमेंट के अंदर ही, एक लाइन के अंदर ही इसको मैं सी आउट करवा रहा हूँ। तो हम इसको कंपाइल करके रन करके चेक कर लेते हैं। ओपन एक टर्मिनल g++/code/lecture8.cpp, इसको मैंने रन कर लिया ./lecture8। अब ये देखें, अब मैंने आपके सामने जो स्पेसेस गिनी थी उससे एक नंबर ये आगे निकल गया, क्योंकि इसने शुरू में एक स्पेस एक्स्ट्रा दे दी है। उसकी वजह ये बनी है क्योंकि मैंने इधर 45 लिख दिया और हमारे टोटल कैरेक्टर्स 43 बने थे, लेकिन 45 लिखने से मैं अगर 44 लिखूं, एक कैरेक्टर कम कर दूं, या आपने जो मैंने कैरेक्टर्स गिने थे टोटल 43 थे, क्योंकि मैं इधर से दोबारा इसको अगर आपको करके दिखा दूँ, अगर हम इसके कैरेक्टर्स दोबारा एक दफ़ा गिन लें तो वो बनते हैं 43 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैंने जब इधर सेट डब्ल्यू 45 लिखा तो उसमें सिर्फ एक स्पेस एक्स्ट्रा दी, उसकी क्या वजह है। अब मैं इसको इधर से स्पेसेस सारी खत्म कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ सेट डब्ल्यू, और इसके फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ 43। और अब इसके आगे मैं ये कर देता हूँ, अब कंट्रोल एस करके जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए अब इसमें एक स्पेस कम दी है। अब ये हमने अपने पूरे कैरेक्टर्स गिन लिए हैं, 43 कैरेक्टर्स हमारे पूरे हैं, हमने गिने हैं और 43 ही मैंने इसको नंबर दिया, लेकिन इसे हमारा काम नहीं किया, ये हमारा एक कैरेक्टर कम करके प्रिंट कर रहा है। तो बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर जब भी आप बैक स्लैश एन यूज करते हैं तो बैक स्लैश एन पूरा एक कैरेक्टर का रोल प्ले करता है। अगर इसको आप यहाँ से हटा देंगे और सेपरेटली आप एंडल कर देंगे यहाँ पर, तो आपका ये मसला खत्म हो जाएगा। तो इसको मैंने इस तरीके से जब यूज किया तो
आप लोग देखेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट चलने लग गया, क्योंकि मेमोरी के अंदर हमारे स्ट्रिंग हर कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर हमारा एक एक बॉक्स के अंदर आ रहा होता है, लेकिन जो बैक स्लैश एन है ये पूरा एक कैरेक्टर के तौर पर हमारा उस बॉक्स के अंदर आता है, वन बाइट के वन बिट के बॉक्स के अंदर। तो ये बैक स्लैश एन हमारा पूरा एक कैरेक्टर काउंट होगा। तो अगर मैं इसको अब एंड तो हमारा एक बहुत एक लेंथी सा बन जाता है बैक स्लैश एन के सामने, तो मैं इसको वापस से बैक स्लैश एन कर देता हूँ, यहाँ पर 43 के बजाय 44 कैरेक्टर्स का इसको काउंट दे देता हूँ। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो हमारे पास ये एक्यूरेटली काम करेगा और हमारा काम बहुत कम कैरेक्टर्स के अंदर होगा। अभी जो मैंने इतनी स्पेसेस प्रिंट करने के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर इतना टाइम लगाया था, उस टाइम को कवर कर देगा हमारा ये काम। अब मुझे पता चल गया हमारी टोटल जो लेंथ थी इधर तक वो 44 थी, तो मैंने 44 इधर ले दिया। इसी तरीके से मैं इधर से ये काउंट कर लूँगा कि हमारे कितने कैरेक्टर्स बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड ये 17। इसी तरीके से हमारा जो बैक स्लैश है ये भी हमारा एक कैरेक्टर को का रोल प्ले करेगा और ये हमारे टोटल 17 कैरेक्टर्स बन जाएंगे। इसको मैं यहाँ से पीछे ले आता हूँ और सेट डब्ल्यू 17 करके जब मैं इसको यूज करूँगा और यहाँ पर मैं ये कोटेशन मार्क एंड करके फिलहाल इस तरीके से रख देता हूँ उसको, तो हम अपना घर देखते हैं कि वो कैसा है। तो आप लोग देख रहे हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर करूंगा सेट डब्ल्यू, तो हमारे सामने भी स्पेसेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब ये हमारे पास 28 स्पेसेस हैं जिनको हमने यहाँ पर प्रिंट आउट करना है। तो मैं 28 का काउंट इसको देकर नेक्स्ट ये प्रिंट आउट करवा देता हूँ। अब मैं इसको देखता हूँ कि हमारा घर के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क तो नहीं पड़ा, हमारा घर वैसे का वैसा ही है। और मैं अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा इतना लंबा ये जो घर बना हुआ था ये बिल्कुल एक छोटे से कंजेस्टेड से कोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पर जो ये स्पेसेस हैं ये ऊपर वाले से एक कम है, लेकिन उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी स्पेसेस आ गए, यहाँ पर भी स्पेसेस आ गए। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन तक मैं यहाँ तक एक सेट डब्ल्यू इस्तेमाल करूँगा, इसके लिए एक सेट डब्ल्यू, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए एक सेट डब्ल्यू। तो बेसिकली इस लाइन के अंदर हमारे तीन सेट डब्ल्यू के फंक्शन लगेंगे। मैं यहाँ पर सेट डब्ल्यू लिख लेता हूँ सेट डब्ल्यू, और इसको मैं अब काउंट कर लेता हूँ कि यहाँ से हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हमारे ये कैरेक्टर्स बने हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 15 का काउंट देकर आगे ये कैरेक्टर मैं पीछे जाता हूँ। अब दोबारा से सेट डब्ल्यू लिख लेते हैं और इसके अंदर मैं तीन कैरेक्टर्स का काउंट डाउन दे देता हूँ उसको, और यहाँ से मैं इसको डबल कोटेशन से करता हूँ और इसी तरीके से दोबारा आगे। अब हमारा यहाँ से ऊपर से नीचे तक जो था वो तो सेट डब्ल्यू सेम है हमारा 28 का सेट डब्ल्यू 28 कैरेक्टर्स और अब हम देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है हमारी। तो हमारी फिलहाल अब तक यहाँ तक ये हमने ये तीन लाइन्स हम अपनी प्रिंट आउट करवा चुके हैं सेट डब्ल्यू की मदद से। तो आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पर हमारे 4 सेट डब्ल्यू लग रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर ये हमारे माइनस के साइंस भी आ गए हैं। तो अब हम दोबारा सेट डब्ल्यू लगाते हैं, इसके लिए इस लाइन के लिए हमारा सेट डब्ल्यू का जो फंक्शन लगेगा उसके अंदर हमारे जो कैरेक्टर्स आएंगे वो 14 आएंगे क्योंकि एक स्पेस कम हो चुकी है अभी। उसके बाद जो दोबारा हमारे कैरेक्टर्स लगेंगे वो आप देख सकते हैं ऊपर वाले के अंदर 3 थे, तो उसके अंदर जाहिर है एक कैरेक्टर हमने इधर से कम किया था और एक कैरेक्टर हमने इधर से कम किया था, तो 2 कैरेक्टर्स का इजाफा होगा जिनके भी आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको मैं यहाँ पर
दोबारा सेट डब्ल्यू लगाऊंगा और इसको मैं 5 कैरेक्टर का काउंट दे दूंगा और यहां से मेरे ये बैक स्लैशेस प्रिंट हो जाएंगे। और अब मैं दोबारा से सेट डब्ल्यू लगाऊंगा और अब मुझे काउंट करने हैं अपने माइनस के साइंस। तो माइनस का साइन काउंट करने के लिए मुझे देखना होगा कि हमारे स्पेसेस थे कितने। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब मैंने ये पहले लिख दिया इस तरह से मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कि कितने स्पेसेस थे हमारे। तो मैं इसको फिलहाल 10 का काउंट देके चेक कर लेते हैं। हम इसको कंट्रोल सी करके बैक कर लेते हैं। ओके तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो 17 स्पेसेस हमारे यहाँ पर आएंगे। तो सेट डब्ल्यू को मैं 17 कैरेक्टर्स का काउंट डाउन दूंगा। 17 कैरेक्टर्स मैंने उसको बता दिए कि 17 कैरेक्टर्स हमने प्रिंट करने हैं। अब जो लास्ट कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, आप लोग देख लो कि मैं उनको भी जो हमने प्रिंट करवाने स्क्रीन पर हम सारे के सारे दे रहे हैं। तो अब बेसिकली जब हम जितने कैरेक्टर्स हम उसको बता देते हैं, हम बता देते हैं कि ये वाला कैरेक्टर स्पेसिफिक कैरेक्टर है स्पेस के अलावा। तो जो कैरेक्टर्स हम नहीं बताते उधर जो स्पेस आ रही होती है तो वो शुरू से लेके वहां तक कुछ स्पेस एंटर कर देता है। उस स्पेस का मकसद ये बनता है कि हम जो स्पेसेस टाइप करके थोड़ी थोड़ी स्पेसेस एंटर कर रहे होते हैं वो स्पेसेस हमारी बच जाती है। और इसके बाद हम देख लेते हैं अपने कोड के अंदर कि हमारे कोई एरर्स वगैरह तो नहीं आए, क्योंकि हम जब बार बार साथ साथ उसको देखते रहते हैं तो हमारे हमें एरर्स पता चलते रहते हैं। और अगर कोई एरर आ भी जाए तो एकदम से हमें ये देखें, यहाँ पर एक एरर आ गया, मुझे यहाँ पर 11 करना था और मैंने 10 कर दिया। अब ये हमारा ठीक हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं इसको स्पीड अप करके काम कर लेता हूँ और यहाँ से आप लोगों को लास्ट टाइम पर जाकर मिलता हूँ। Thank you.
फाइनली ये मैं बना चुका हूँ और अब मैं इसको रन करके एक दफा फाइनली चेक कर लेता हूँ। आप लोगों के सामने है कि सारा का सारा काम जो इसके अंदर हुआ है सेट डब्ल्यू पे हुआ है। सेट डब्ल्यू से मुराद ये होता है कि हम एक विड्थ सेट कर रहे हैं उसकी, ठीक है। वो सेट करने के बाद हम उसको बता देते हैं कि भाई कितनी हम लोगों ने कैरेक्टर इसके अंदर डालने हैं, और कितने कैरेक्टर डालने के बाद जो शुरू में अगर जगह बचती है तो वहाँ पर स्पेसिस डालते हैं। ये हमारा काम होता है सेट डब्ल्यू का, और इसके जरिए हमने ये अपना हाउस कंप्लीट किया है। इसको मैं रन कर लेता हूँ फाइनली, तो ये आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर हमारा बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा घर तैयार है। अच्छा, इसका जो सोर्स कोड होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को जरूरत पड़ती है तो उसका सोर्स कोड आप लोगों के लिए अवेलेबल हो। जल्दी मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जहाँ मैं सिर्फ एक लिंक पेस्ट कर दूँ जिसके जरिए आप सोर्स कोड तक पहुँचें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हुई है इसके अंदर सेट डब्ल्यू अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सेट डब्ल्यू के अंदर ये क्यूरी आई है, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। सी आउट की तरफ मैंने आपको समझा दिया, सी आउट जितना भी हम लोग डिटेल में जाएंगे उतना ये काम हम लोगों के लिए मजीद इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को सेट डब्ल्यू बताया है, आप लोगों को कोटेशन मार्क्स पता चल गया है, कोटेशन मार्क्स इस तरीके से हम लोग प्रिंट आउट करवा सकते हैं, बैक स्लैशेस किस तरीके से प्रिंट आउट करवा सकते हैं, मजीद जिस तरह के कैरेक्टर्स मजीद होते हैं हमारे पास जिनको हम प्रिंट आउट नहीं करवा पा रहे होते, बैक स्लैश हम लगाएंगे तो वहाँ हमारे प्रिंट आउट हो जाएंगे। तो इसी तरह मजीद शॉर्टकट्स के लिए मैं शॉर्ट वीडियोज भी इंशाल्लाह शुरू करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इतना ख्याल रखें। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।